अतीक अहमद, पिछले कुछ दिनों से आपको हर न्यूज चैनल पर यही नाम दिख रहा होगा और इसके चलते पूरे भारत को दो भागों में बांट लिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो, प्रॉपर जुडिशियल फॉलो ही नहीं किया गया। दूसरे वो लोग हैं जो बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ, इस बात को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर माफिया का राज नहीं होगा, ये सरकार का बढ़िया नियम, बढ़िया वो है कार्रवाई को देखते हुए जो योगी सरकार कर रही है तो सही पर। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केसेस हैं। करीब 40 सालों से अतीक अहमद के नाम से लोग डरते हैं उत्तर प्रदेश में। हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो बसें चलती नहीं थी, इतना खौफ था। अतीक अहमद ने कई परिवारों की जिंदगी तहस नहस कर दी और कोर्ट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार अतीक का ट्रायल हुआ लेकिन ट्रायल के टाइम 10 बार जजेस चेंज हुए। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ अतीक के डर की वजह से। फिर क्या हम अतीक को खुली छूट दे दें कि जा भाई जा, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर? सिर्फ इसी वजह से बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये हत्या नहीं है, ये वध है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हिंदू किताबों में भी इस चीज का जिक्र किया हुआ है, आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन महाभारत के युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने वचन लिया था कि वो जैद्यनाथ को सूर्यास्त से पहले यानी सनसेट से पहले मार देंगे। और अर्जुन को रोकने के लिए द्रोणा ने एक भूलभुलैया बनाई ताकि अर्जुन जैद्यनाथ के पास तक ना पहुंच पाए। जब तक अर्जुन और भगवान कृष्ण इस भूलभुलैया को पार करते हैं तब तक सनसेट होने ही वाला था। भगवान कृष्ण ने घने बादल बनाकर सूर्य को छिपा लिया जिससे कौरवों को लगा कि सनसेट हो चुका है और सूर्यास्त के बाद हम लड़ाई नहीं कर सकते, तो उस दिन के लिए उन्होंने युद्ध को रोक दिया। और इसे देखकर जैद्यनाथ ने भी युद्ध को रोक दिया, लेकिन फिर अर्जुन वहां पहुंचे और जैद्यनाथ को मार गिराया। यहां भगवान कृष्ण ने भी चीटिंग करी थी ताकि वो कुरुक्षेत्र में जीत सके, क्योंकि उनका मानना था एक गलत रास्ता चुनना एक नेक काम के लिए कोई गलत नहीं है, वो रास्ता सही होता है। आज जो विवाद है वो इसी बात पर है कि एक गलत रास्ता चुनना एक क्रिमिनल को मारने के लिए क्या वो सही है। गैंगस्टर और पॉलिटिशियन अतीक अहमद के बेटे असद को एक एनकाउंटर में यूपी पुलिस द्वारा मार गिराया और उसके महज 2 दिन बाद ही अतीक अहमद को भी 3 लोगों ने मिलकर एसेसिनेट कर दिया। इनमें कंफ्यूज था एक इतना बड़ा क्रिमिनल जिसने 17 साल की उम्र में एक मर्डर किया और उसके बाद उसे लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कैसे वो 5 बार जीत कर लीडर बन गया और जो आज के दिन हमारे लॉज को तोड़ रहे हैं वही हमारे लॉ मेकर बन रहे हैं। क्राइम और पॉलिटिशियंस का चक्कर क्या है? ज्यादातर क्रिमिनल्स ही पॉलिटिक्स में आते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर्स बन जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जिनकी वजह से ऐसे गैंगस्टर्स लीडर बनते हैं और हीरोज बनते हैं, पनिशमेंट की चपेट से इजीली बाहर आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। अतीक अहमद की हत्या पर देश में उठ रही आवाजों को अब विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, पूरी प्लानिंग को जो है वो अंजाम दिया जाता है। कौन है ये अतीक अहमद, कैसे एक माफिया डॉन से लेके पॉलिटिशियन तक बने? अतीक अहमद को कई लोग यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट गैंगस्टर इस वजह से क्योंकि वो पहले इंसान थे जो यूपी के गैंगस्टर एक्ट में बुक्ड हुए। अतीक अहमद ने 19 साल पहले बोला था जब वो 2004 में लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे, एनकाउंटर होगा या पुलिस मारेगी या अपनी बिरादरी का कोई सरफिरा सड़क के किनारे पड़ा मिलूंगा। 19 साल पहले ही अतीक अहमद को अंदाजा था कि उनकी मौत कैसे होगी। मेन मुद्दा ये है कि अतीक अहमद था कौन। अतीक अहमद का जन्म 1962 में गरीब परिवार में हुआ था इलाहाबाद के अंदर। जब वो छोटा था उसने गरीबी से निकलने के लिए कोयले की चोरी करनी शुरू की। अतीक अहमद गैंगस्टर बनते हैं 1979 में और ये उस टाइम महज 17 साल के थे और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, इन्होंने मर्डर किया था। पहले तो ये छोटी मोटी चोरी ही करते थे, फिर ये सीधा सरकार को ही धमकाने लगे ताकि जो कॉन्टैक्ट है ट्रेन के पार्ट बनाने का इनके जानने वाले को मिले और जो ये काम करते हैं जो चोरी करते हैं उसे इलीगल से लीगल बना दिया जाए। टाइम इलाहाबाद में जान बाबा नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था, पुलिस भी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने से डरती थी, लेकिन सरकार उस टाइम क्या करती थी एक गैंग को दूसरे गैंग से भिड़ा देती थी, जिससे होता क्या था दोनों गैंग के मेंबर आपस में भिड़ जाते थे और मर जाते थे। लेकिन इसके चलते अतीक अहमद की गैंग बहुत बड़ी हो गई। 1985 में पुलिस अतीक को हिरासत में ले लेती है। अब सबको ये लगता है कि अतीक का गेम ओवर, लेकिन दिल्ली से एक फोन आया और पुलिस ने अतीक को तुरंत छोड़ दिया। इसके बाद अतीक को ये समझ में आ गया कि क्राइम एक छोटा सा गेम है, बड़ा गेम है पॉलिटिक्स, और इसके बाद वो पॉलिटिक्स में उतरा। 1989 में वो इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से इलेक्शन में खड़ा हुआ।
वो टाइम था जब राम जन्मभूमि की मूवमेंट अपने चरण सीमा पर थी। कई मुस्लिम डरे हुए थे कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। हमारा मतलब ही नहीं रह जाए रहा है कोई चीज भाई, तो हमारा क्या है। अतीक अहमद इस डर को यूज करता है और इलेक्शन को जीत लेता है। सिर्फ यही इलेक्शन नहीं, अतीक अहमद दो और स्टेट इलेक्शन जीता। बात है साल 1995 की, अतीक अहमद के साथियों ने मायावती पर स्टेज पर ही अटैक किया था। इसके बाद अतीक अहमद को नेशनल अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। वे मायावती अपने विधायकों के साथ मौजूद थी। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने गुंडागर्दी की, मारपीट की, मायावती के साथ शर्मनाक बदसलूकी की गई। नेशनल अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है और अगले साल 1996 में एन सिंह यादव उन्हें अपनी पार्टी में ही टिकट दे देते हैं। अतीक अहमद इस टाइम ऐसा नेता बन गया था जिसको हम बोल सकते हैं बाहुबली नेता। ये इलेक्शन जीतकर 5 बार स्टेट के पार्लियामेंट में जाते हैं और 1 बार नेशनल पार्लियामेंट में। पॉलिटिशियन बनने के बाद उनका क्राइम बंद नहीं हुआ बल्कि और अच्छे से चल पड़ा। 30 सालों में अतीक अहमद ने करोड़ों का माफिया एम्पायर बनाया है। वो जमीन खरीदते थे काफी सस्ते रेट पर, इसको धमकाकर, और जो लोग नहीं मानते थे उन्हें किडनैप कर लिया जाता था। लखनऊ का ट्रेडर मोहित जायसवाल। यूपी के इस बाहुबली ने रंगदारी के लिए ही बिजनेसमैन को किडनैप करवाया। रानी की बात ये थी कि उस टाइम अतीक अहमद जेल में थे। आज तक इनके खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस हैं, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, एक्सट्रोशन जैसे सीरियस केसेस भी हैं। 2004 में वो अपनी खुद की सीट खाली करते हैं क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते थे। लोकसभा में एमपी बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह अपने भाई को खड़ा किया। पर अतीक की तरह उनका भाई वो सीट नहीं जीत पाया। वो सीट जीती राजू पाल ने। वो एक लोकल डॉन था। माफिया के खिलाफ दूसरे माफिया का इस सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ। नवंबर 2004 में अतीक के आदमियों ने राजू पर फायरिंग की, लेकिन राजू वहां से बच निकला। राजू पर फिर से फायरिंग की गई, लेकिन राजू इस बार भी बच गया। अगले महीने जनवरी 2005 में राजू अपने गांव में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जाते हैं और उन्हें वहीं पर ही बीच में मार दिया जाता है अतीक के आदमियों के द्वारा। राजू की 9 दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी बीवी का नाम था पूजा पाल। राजू की हत्या के बाद उनकी बीवी को टिकट दी गई बहुजन समाजवादी पार्टी से, पर इस बार अशरफ इलेक्शन जीत जाता है। इसके बाद आतिफ पे इतना ज्यादा पॉलिटिकल दबाव पड़ जाता है कि इसे सरेंडर करना पड़ा 2008 में। यहाँ से आतिक अहमद के पॉलिटिकल करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ। उन्हें 3 साल के लिए राजू पाल मर्डर केस में जेल में रखा गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना क्राइम एम्पायर वहीं से चलाया। बेसिकली सिस्टम कुछ ऐसा चलता था कि वो अलाहाबाद जेल में कैदी थे। अलाहाबाद उनका एक स्ट्रॉन्ग जोन था। पूरे टाइम अपना पूरा क्रिमिनल एम्पायर जेल से ही ऑपरेट किया करते थे। सोचिए हमारा सिस्टम इतना ब्रोकन है कि कोई इंसान एक जेल में बैठ कर ही पूरा क्रिमिनल एम्पायर चला रहा था। बेल के केस से 10 हाईकोर्ट जजेस ने अपने आप को बाहर निकलवाया था। आप किसी और को जज अपॉइंट कर लो, हम इस केस को नहीं देखेंगे। इस साल अतीक अहमद के आदमियों ने उमेश पाल को भी मार गिराया, जो पाल के केस में एक प्राइम विटनेस था। इसके बाद योगी सरकार ने अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन लिया। रिसेंटली असद अहमद को मारा गया एक पुलिस एनकाउंटर में। फिर पुलिस कहती है कि अतीक अहमद के ISIS और लश्कर ए तौबा के साथ कनेक्शन है और उन्होंने इस बात को खुद कबूल भी किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और एज अ प्रोसीजर अहमद को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल लाया जा रहा था, जब उन पर 3 लोगों ने गोलियां बरसा दी और उन्हें उनके भाई को मार दिया। मैं अब आपको और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊं, तो जो अतीक अहमद को मारने के लिए वेपन यूज हुआ था वो कोई देसी कट्टा नहीं था, वो टर्की में बना एक इम्पोर्टेड गन थी जो बेसिकली पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है। सोचने वाली बात ये है कि ये हथियार इन क्रिमिनल्स के हाथ में आए कैसे, इन क्रिमिनल्स को इस ड्रोन के आने जाने का सही टाइम कैसे पता था। सबसे बड़ी बात, इतनी प्रोटेक्शन होने के बाद भी अतीक अहमद के पास इन क्रिमिनल्स को आने कैसे दिया। तो वो आ भी गए, उन्होंने अपना काम भी कर दिया, लेकिन वो वहां से भागे क्यों नहीं, उन्होंने वहां रुककर सरेंडर क्यों किया। ये सभी सवाल वैलिड है और हमारे सिस्टम को इन्हें एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस न्यूज को कवर किया, लेकिन आपको एक बात बताऊं, सोचने वाली बात तो ये है, आपने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, लेकिन आपने कहीं भी एक चीज नोटिस करी कि कहीं पे भी अतीक अहमद को ना तो गैंगस्टर बताया गया, ना क्रिमिनल बताया गया, ना कुछ और चीज बताई गई। ये सभी चीजें छुपाई गई, लेकिन बताया गया तो सिर्फ क्या, 3 लोगों ने मिलकर अतीक अहमद को असैसिनेट कर दिया। नेशनल मीडिया की बात करें तो नेशनल मीडिया पता है क्या करती है, सिर्फ टॉपिक्स को ऊपर से खंगालती है, कभी डीप में जाने की कोशिश ही नहीं करती। कोई भी इंसिडेंट ना उसे ऐसा इंसिडेंट ही दिखाती है, उसमें डीपली कभी जाने की कोशिश ही नहीं करती। अब आप इन सभी चीजों से क्या समझते हो, क्या आपके मन में विचार है, हमें करके जरूर बताइए। और जरा सोचिए कि हमारे सिस्टम को कहां चेंज होने की जरूरत है, क्या हमें कुछ नई चीजों को लॉजिकली लाना चाहिए, क्या हमें आगे की बातों को सोचना चाहिए, क्या हमारे सिस्टम हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू।